वेलकम टू देसी यूट्यूब दोस्तों, आज देसी यूट्यूब की इस नई वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं और वीडियोस ऐसे अपलोड कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला कि गोरिल्ला ग्लास जो इतना डिमांड में है, यूजेस होता है, उसकी क्या खासियत है, और ऐसी क्या बात है कि लोग इतना उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, इतना क्रेज किया उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। गोरिल्ला ग्लास जो है वो एक टाइप का ग्लास होता है, स्पेशल टाइप का, जो कि बहुत थिन होता है और डैमेज रेजिस्टेंट होता है। उसका नेचर जो है बहुत टफ नेचर का होता है, और मोस्टली गोरिल्ला ग्लास जो है वो मोबाइल फ़ोन्स के लिए ही नहीं बल्कि लैपटॉप में भी गोरिल्ला ग्लास होता है, कंप्यूटर्स में भी आता है, बहुत सारे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी आजकल गोरिल्ला ग्लास आ रहा है। और सबसे उसमें खास बात यह है कि गोरिल्ला ग्लास को हार्डनेस के मामले में 10 out of 10 का स्कोर मिला है, और अगर किसी और ग्लासेस से उसको कंपेयर करते हैं तो गोरिल्ला ग्लास सफायर जो स्टोन होता है इतना हार्ड होता है गोरिल्ला ग्लास। और सबसे पहला फीचर ये है कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंस की एबिलिटी है, वो पहला ग्लास है जिसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस का फीचर है। अगर उस पर आप चावी या कॉइन या किसी भी मेटल के प्रोडक्ट से अगर आप स्क्रैच करने की कोशिश करते तो वो स्क्रैच होगा नहीं, वो नहीं दिखेगा। और अगर आप एक्सीडेंटली स्मार्टफोन को अपने पॉकेट में रख देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉकेट में रखने से स्क्रैचेस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आपका डिवाइस बहुत ही प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसमें गोरिल्ला ग्लास है। और सेकंड बहुत अच्छा फीचर ये है कि उसका ओवर टफ होता है। अगर आप गोरिल्ला ग्लास का हैंडसेट यूज़ कर रहे हो और अगर आप उसको 1 meter की ऊंचाई से ड्रॉप कर देते हो तो 80% उसका सरफेस जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें कोई डैमेज स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और गोरिल्ला ग्लास बनाया इसलिए जाता है ताकि वो सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके, खास करके वो कस्टमर्स जो कि मोबाइल बहुत ही देख दिखा के और बहुत ही परख के उसको परचेस करते हैं। तीसरा और आखिरी फीचर ये है कि वो बहुत पतला होता है, उसका जो साइज़ होता है वो 0.4 meter का साइज होता है, 0.4 mm का साइज़ होता है। तो आप ये मत सोचिए कि इतना थिन है तो डैमेज हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है, थिन और उसके थिननेस से उसका फीचर और उसके टफनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए, वो बहुत ही टफ है, बहुत ही यूजफुल है। और गोरिल्ला ग्लास जो है वो बहुत ही आजकल परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें, और आजकल जितने भी और आने वाले हैं हैंडसेट उस सब में गोरिल्ला ग्लास ही आने वाले, क्योंकि जो भी आजकल परचेज करते हैं वो सबसे पहले ग्लास के मामले में, स्क्रीन के मामले में फुल HD देखता है, और सेकेंड गोरिल्ला ग्लास होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार आपके घर में या कोई बच्चा अगर गिरा देता है तो आपको ये डर रहता है कि क्योंकि अगर उसका स्क्रीन टूट जाता है तो उसका बहुत सबसे एक्सपेंसिव मोबाइल में जो है उसका स्क्रीन होता है। तो मेरा भी गोरिल्ला ग्लास ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम गिरा है, बहुत टाइम उसके ऊपर स्क्रैचेस आए हैं, बहुत कभी कभार फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, लेकिन एक बार उसको साफ करने पर वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो इसी तरह से एक नया वीडियो को आपको कुछ बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी बहुत सी वीडियोस और अपलोड करने वाला, जैसे कि बहुत सारे मोबाइल्स जिसमें गोरिल्ला ग्लास आते हैं उसका रेट क्या, उसका प्राइस क्या, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये सब भी वीडियोस में अपलोड करने वाला, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब किया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं इस वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।